नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान, स्वागत है आपका। आपको देंगे रियल एस्टेट मार्केट की हर एक जानकारी, बताएंगे आपको कहां करना है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को मिल सके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, बताएंगे आपको मार्केट में कौन कौन बिल्डर कर रहा है काम और किस तरह आप बचे मार्केट में जो बिल्डर काम नहीं कर रहे हैं या जो धोखा दे रहे हैं उनसे। आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर हम हाजिर हुए हैं जहां आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के हमारे स्पेशल और पहले एपिसोड में लेकर चलते हैं हम आपको राजधानी जयपुर में और जानते हैं वहां के रियल एस्टेट का ताजा हाल। राजधानी के रियल एस्टेट बाजार में एक बार फिर आया उछाल। पिछले दो सप्ताह में हुई तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लैंड डील। लैंड डील के अलावा करीब 1000 करोड़ के हुए नए जॉइंट वेंचर। करीब दो साल में बनकर तैयार होंगे ये प्रोजेक्ट। टॉप 10 बिल्डर्स के काउंटडाउन में बरकरार रहने के लिए बिल्डर्स बना रहे लग्जरी फ्लैट्स। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में दिख रहा ग्राहकों का खास रुझान। बाजार में बढ़ती कर्जदारी के बाद एक बार फिर एक छत के नीचे एकजुट हुए बिल्डर्स। लंबे समय के बाद एक बार फिर से राजस्थान के रियल एस्टेट मार्केट में दिख रहे दुबई के निवेशक। जब रियल एस्टेट बाजार की बात की जाती है तो बहुत सी नई खबरें इन दिनों देखने को मिल रही है। बहुत सी लैंड डील्स मार्केट में हुई है और लैंड डील्स के साथ में नजर आ रही है बहुत सारी जॉइंट वेंचर डील्स भी, क्योंकि शहर के अंदर इन दिनों जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है। एक के बाद एक जिस तरीके से फ्लैट्स बन रहे हैं तो उसी के साथ में जमीन की स्कैसिटी भी मार्केट में नजर आ रही है और उसको देखते हुए बिल्डर्स ज्यादा से ज्यादा ऐसी जमीनों को, ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दें। इसके अंदर लैंड ओनर्स को भी बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसे डिस्प्यूट मैटर्स भी हैं जो राजधानी में इन दिनों काफी छाए हुए हैं। साफ तौर पर बात करें तो सिद्धा, अक्षत, मंगलम और SDC ग्रुप की कुछ अच्छी लैंड डील्स इन दिनों शहर में हुई है, लेकिन इसके साथ ही कुछ जॉइंट वेंचर्स भी कैंसिल हो गए हैं। मार्केट में ग्राहकों के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा माल है, लेकिन अभी भी एलीट और अच्छे एरियाज के अंदर ग्राहक कहीं ना कहीं फ्लैट्स ढूंढ रहा है। अगर हम बात करें आउटस्कर्ट्स की तो बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, लेकिन मंदी को देखते हुए उन रेट्स के अंदर इजाफा होने की बजाय मार्केट में पैसा उनका कम होता जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आपको भी फ्लैट खरीदना है तो आप सोच समझ करके फ्लैट खरीदें। इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ ऐसे बड़े ग्रुप की जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं तो उनके अंदर मंगलम और आशियाना ओके प्लस का नाम भी शामिल है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि इनके नए प्रोजेक्ट्स अगर लॉन्च किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बार फिर बूम का सा माहौल बनेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपका थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी आपको इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देगी। अगर आप इंतज़ार करने के लिए बैठे हैं और आप सोचते हैं कि आपको सही प्रॉपर्टी चाहिए तो वो ये सबसे बेटर टाइम है, क्योंकि अभी का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको देगा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न। मार्केट में कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं दोस्तों जो लगभग आउट हो चुके हैं, जिसके अंदर SNG का नाम शामिल है तो उसके साथ ही अपेक्षा ग्रुप का भी नाम शामिल है। सेफरन ग्रुप भी पहले से ही मार्केट से गायब हो चुका है, तो इनके प्रोजेक्ट्स को लेकर के ग्राहकों के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ में कुछ नए बड़े प्रोजेक्ट ग्रुप उनको टेक ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्राहकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका किया हुआ इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं जाएगा, अगर वो बड़े ग्रुप उनको टेक ओवर कर लेते हैं तो उनका पैसा एज इट इज़ रह जाएगा। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही रेरा को लेकर भी सरकार काम कर रही है, तो जो प्रोजेक्ट आपने लिया है और जिसमें आप निवेश कर रहे हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जिस तरीके से शुरुआत के अंदर ग्राहकों के अंदर एक खरीदने के लिए इच्छा थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर लगभग शहर के सभी बिल्डर्स काम कर रहे हैं और प्रदेश भर में काम हो रहा है, लेकिन अब उन्हीं का प्रोजेक्ट बिक रहा है जिनका प्रोजेक्ट अच्छी पोजिशन पर है। क्योंकि शुरुआत में जब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की स्टार्ट हुआ था तो उसके साथ ही बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे वो दूर दूर जाके काट दिए। ऐसे में जिन्होंने वहाँ बुक कराए वो वहाँ पे अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये है कि अगर आप अफोर्डेबल के अंदर जा रहे हैं तो बहुत सारे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस को सोच कर देख कर ही आप निवेश करें, क्योंकि आपको कम बजट के अंदर
अच्छी लोकेशन पे भी फ्लैट मिल सकता है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं हम दोस्तों कि रियल इस्टेट माहौल इस वक्त पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने अब नियम को थोड़ा सख्त कर दिया है। बिल्डर अब पहले की तरह अपने फेक प्रॉमिसेस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसके बाद में बिल्डर्स को उन दायरों में ही काम करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपका पैसा काफ़ी हद तक सिक्योर है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं तो निवेश का अच्छा टाइम है। लेकिन हर बार जिस तरीके से हम आपको बताते हैं रियलिटी चेक में कि आप जब भी निवेश करें तो निवेश करने से पहले बिल्डर का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लें, उसकी पूरी प्रोफाइल चेक कर लें, उसने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो चेक कर लें और उसके बाद ही प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं ताकि आपका पैसा सिक्योर हो सके। बात ये भी की जा रही है कि मंदी के दौर को देखते हुए बिल्डर अब एकजुट होना शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही एक के बाद एक प्रॉपर्टी फेयर्स का भी आयोजन आपके शहर में हो रहा है। इसको देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है दोस्तों कि प्रदेश का रियल एस्टेट बाजार काफ़ी मजबूत है। क्रेडा एक ऐसी एसोसिएशन है जो हमेशा से बिल्डर्स को बांध कर रखती है और वो लगातार इसका काम कर भी रही है और इसके साथ ही राज्य सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि राजस्थान के बिल्डर्स और प्रमोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिया जाए। और इसको लेकर के जब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की गई थी तो उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी बिल्डर्स को, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजस्थान का अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम एक लोती ऐसी स्कीम है जिसको देश भर में ही पूरे स्टडी किया जाता है और लगातार उसकी स्टडी को लेकर के उसके अंदर जो उसके फॉर्मूलेज हैं वो अडॉप्ट करती हैं दूसरी सरकारें भी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार की जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है वो बहुत सा फ़ायदा न केवल ग्राहकों को बल्कि बिल्डर्स को भी दे रही है। और बात जब की जाती है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की तो प्रदेश के अंदर लगातार बन रहे हैं एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आपको अच्छे अच्छे फ्लैट्स भी मिलेंगे, अच्छे एरियाज होंगे, अच्छी प्राइस होगी और उनके अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ भी होगी। तो अगर आप देख रहे हैं एक ऐसा आशियाना जो आपके बजट में हो तो आप बिल्कुल और बेशक होकर आप जा सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बिल्डर्स अब अलग अलग सेगमेंट में बटे हुए हैं और हर बिल्डर के साथ में आप ये सोच करके इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर अफोर्डेबल में जाना है तो उस सेगमेंट के साथ में आप जुड़ सकते हैं और अगर आपको अपर क्लास में जाना है तो राजधानी में ऐसे बिल्डर्स की भी कमी नहीं है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं दोस्तों कि रियल इस्टेट मार्केट में इस वक्त ये वो माहौल है, ये वो बाज़ार है जहाँ पर आपको अभी का किया हुआ आपका इन्वेस्टमेंट देगा आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी बात करते रहेंगे रियल एस्टेट के बारे में। तो चलिए लेकर चलते हैं सीधा आपको और जानते हैं क्या कहना है बिल्डर्स का। ओके प्लस ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जगदीश खात्री साहब को, उनकी टीम को, टीवी चैनल्स को, हमारे कंपनी की तरफ से ओके प्लस समूह की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। को हमेशा उम्मीद है समय समय पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा रियल एस्टेट के बारे में और हम ओके प्लस ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं इनको कि ये प्रोग्राम ऐसे ही आता रहे और ओके प्लस ग्रुप भी इसी प्रोग्राम से जुड़ा होगा शुरू से और उसका बहुत बेनिफिट मिला ओके प्लस ग्रुप को और कस्टमर्स को भी अवेयरनेस होगी कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है और उनको ये पता चलेगा इस चैनल के माध्यम से कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए और एक चेक लिस्ट बनेगी जिसमें कौन बिल्डर सही है या प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आपके अप्रूव्ड मैप्स हैं वो देखने हैं, रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी जो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी फॉर कस्टमर्स। और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा कातिल साहब को, उनकी टीम को और चैनल को। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और जगदीश चंद्र साहब के सहयोग से और उनके प्रयास से चैनल ही नहीं ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चमकेगा। वास्तविक स्थिति इस सेक्टर की, इस इंडस्ट्री की और क्या क्या कस्टमर्स के लिए अच्छा है, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है, किस तरीके की रेट्स मार्केट में चल रही हैं, किस तरीके की होनी चाहिए, वो सारी जानकारी सभी श्रोताओं को, सभी इन्वेस्टर्स को, सभी एंड यूज़र्स को बहुत अच्छी तरीके से पहुंचेंगे। पहले भी जब एयर किया गया है, बनाया गया है, तो उसके पीछे बहुत सारा होमवर्क रहता है, बहुत सारा रिसर्च वर्क रहता है
और जनता के सामने इस शो के जरिए वो चीज़ें सामने लाई जाती हैं जैसा कि इसका नाम है, जो रियलिटी में है, और उसकी चेकिंग करने के बाद आप वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना हमारे सबके सामने, श्रोताओं के सामने लाते हैं। तो उससे यकीनन फ़ायदा होगा जो लोग इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं या अपना घर लेने का सपना बुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ये फ़ायदा होगा कि उनको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी और वो एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट बाजार की और जान रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा अपडेट, और इसी के साथ ही हमारे एक्सपर्ट सेक्शन में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ लगातार काम कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट में। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्डर से लेकर ब्रोकर्स तक लगातार काम कर रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए फ़िलहाल में बहुत सारे कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, और उन ड्रास्टिक चेंजेस में देखा जा रहा है कि बहुत सारी फीमेल जो बहुत एजुकेटेड भी हैं और बहुत सारा काम भी कर रही हैं वो भी इस फील्ड में आ रही हैं। ऐसी एक महिला आज हमारे साथ हैं, लीना जी। लीना जी, जानना चाहेंगे हम आपसे कि आप लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहे हो, अभी का मार्केट कैसा है? थैंक यू आसिफ। अभी का मार्केट में कुछ हलचल दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी काफ़ी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें एक एवरेज बजट के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसकी और रुझान ज़्यादा है। इन्वेस्टर का मूव ऑन थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं तो उसमें इन्वेस्टर्स थोड़ा डर रहा है कि आगे पता नहीं फ्यूचर में क्या हो, जैसे कि ई पासबुक वगैरह और रेरा वगैरह के जो काफ़ी आए हैं। हाँ, बट इन्वेस्टर्स के लिए जो रेरा जो एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जिसमें कि इन्वेस्टर काफ़ी सेफेस्ट अपने आप को फील कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अभी धीरे धीरे मार्केट थोड़ा थोड़ा मतलब मूव ऑन हो रहा है और मूव ऑन होता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी जुड़ा होता है कि आपने बताया जिस तरीके से इन्वेस्टर बेस्ड मार्केट नहीं रहा, अब एंड यूज़र नज़र आ रहे हैं, तो आप लगातार जिस तरीके से बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं तो किस तरीके के आपके सामने थ्रेट्स होते हैं या किस तरीके की आपके सामने परेशानी आपको सामना करना पड़ रहा है इस मार्केट में? आसिफ, अभी जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लोगों को जो पहले लगता था कि पता नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नहीं होगा, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ नॉट सो गुड इन द मार्केट, बट अभी जो है कुछ पॉलिसीज़ के अंतर्गत अभी लग रहा है कि इन्वेस्टर सेफेस्ट फील कर रहा है। और एंड यूज़र के जहाँ तक सवाल आता है तो एंड यूज़र्स के लिए एक मीडियम और लोअर जो बजट के प्रोडक्ट आ रहे हैं वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हैं फॉर बिल्डर्स ऑल्सो और एज वेल एज इन्वेस्टर और एंड यूजर्स। रेरा के अंदर अब ब्रोकर्स भी आ गए हैं तो अब उनको रजिस्टर्ड करके ही उनकी ब्रोकरेज मिलेगी, तो क्या लगता है सही कदम है? ये बहुत ही सही कदम, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है कभी भी इसमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी थी। अभी जैसे कि अब हम लोगों के काफ़ी रजिस्ट्रेशन, जैसे रेरा में ब्रोकर्स का भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसमें कि उसमें कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होगा जो कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छा साबित होने वाला है इस फील्ड को प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाने के लिए, ताकि लोग इसमें जो मतलब अभी जो पास्ट में हम देखते थे कि एवरीवन इज गोइंग टू डू द ब्रोकरेज एंड ऑल, बट अब ऐसा नहीं है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आप एक प्रोफेशनल ब्रोकर नहीं हैं, तो दिस इज़ द वेरी गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट कि इसको आप प्रोफेशनलिज्म के तहत इसको बढ़ाया जा रहा है इस फील्ड को, प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और ख़ास बात आपको इस और भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि रेरा की वजह से जिस तरीके से ब्रोकर भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उनको भी सब कुछ सारे नियम कायदों को पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले का माहौल ऐसा था कि एक पान वाला भी ब्रोकर बन जाता था, एक चाय वाला भी ब्रोकर बन जाता था और थड़ी पर बैठ करके वो बड़ी बड़ी लैंड डील्स करा दिया करता था और वहाँ पर उसका कुछ पता नहीं चल पाता था। तो कहीं ना कहीं रेरा के अंदर जब से ब्रोकर्स आ गए हैं तो वो भी एक अच्छा कदम माना जा रहा है। लीना, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जयपुर के अंदर बहुत तेज़ी से रियल इस्टेट में बदलाव आ रहा है, अब ना केवल नॉर्मल लैंड डील्स है उसके साथ ही अब कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, और जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर्स और बिल्डर्स काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जॉइंट वेंचर इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, क्योंकि बिल्डर्स के लिए भी इसमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है, उनको इतना ज़्यादा एक साथ अपना जो अमाउंट है वो लैंड पे ना इन्वेस्ट करके वो अपने कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्ट करते हैं और लैंड यूजर्स को उनका प्रॉफिट मतलब ज़्यादा उनको बढ़ जाता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट एंड ऑब्वियसली मतलब मार्केट इज़ ग्रोइंग अप इन अ पॉजिटिव वे।
कहा जा सकता है इस वक्त लैंड डील्स ना होकर के ज्यादा का जॉइंट वेंचर्स ही हो रहे हैं मार्केट में। हाँ जी, जॉइंट वेंचर ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि अभी बिल्डर्स भी ज्यादा अपना जो अमाउंट है वो कंस्ट्रक्शन पे और डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और लैंड यूजर्स भी मतलब अब थोड़ा जैसे कि RERA और कई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं तो वो भी अपने आप को सेफेस्ट फील कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट फॉर एवरीवन। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्रेस थी वो नज़र आ रही है, क्योंकि लैंड डील जब की जाती है तो उसमें बहुत सारा पैसा बिल्डर को देना पड़ता है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में वो हैंड ओवर कर पाता है कंज्यूमर्स को। लेकिन जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट क्योंकि राजस्थान के मार्केट में देखा जा रहा है लगातार दिल्ली और दुबई या मुंबई के तर्ज पर यहाँ का डेवलपमेंट नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर भी इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट नज़र आता था जो कि लगातार अब यहाँ भी बढ़ता जा रहा है। आपसे एक बात ये भी पूछेंगे कि क्योंकि आप इस मार्केट में लंबे समय से काम कर रहे हो तो ऐसे कुछ बिल्डर्स के नाम हम आपसे जानना चाहेंगे जो लगातार अभी अच्छे डील्स कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी बिल्डर्स हमारे यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और अभी जैसा कि मार्केट पास्ट मार्केट था जिसमें कि काफ़ी जो छोटे मोटे बिल्डर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए और उनको मार्केट की उसके हिसाब से उनको क्लोज करना पड़ा, और बट जो अच्छे बिल्डर्स हैं जो कि काफ़ी तरीके से काम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसमें काफ़ी नाम आते हैं जैसे कि मंगलम ग्रुप है, UDB है और UB है, अपना आशियाना जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक ग्रुप माना जाता है क्योंकि वो लोग काफ़ी सेटिस्फाई करते हैं अपने क्लाइंट्स को और लॉन्ग टर्म वो एसोसिएशन रखते हैं। इसके अलावा त्रिमूर्ति ग्रुप है और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी ग्रुप अभी मार्केट में आ रहे हैं वो भी बहुत सिस्टमैटिकली आ रहे हैं, सो दैट वुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जब तक किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अफोर्डेबल एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया गया है प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि राजस्थान अफोर्डेबल स्कीम पूरे देश में फेमस है, और राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ही एक इकलौती ऐसी स्कीम है जिसकी पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेश उसको स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में भी लगातार बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। नीरा जी, आपसे जानना चाहेंगे अफोर्डेबल का कैसा रिस्पॉन्स आपको भी नज़र आ रहा है मार्केट में? देखिए आसिफ, अफोर्डेबल के जहाँ तक सवाल है तो हर इंसान ये चाहता है कि जयपुर जैसी सिटी में उसका एक घर हो, एक छोटा आशियाना हो, और अफोर्डेबल उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कदम है गवर्नमेंट का एज वेल एज बिल्डर्स का, और बिल्डर्स को इससे काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोगों को अपना एक घर मिल रहा है, तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड स्कीम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो, ताकि सभी को अपना एक घर मिल सके जयपुर जैसे सिटी में जिसमें कि लोगों का पूरा पूरी मतलब जीवन व्यतीत हो जाता है अपना एक घर बनाने के लिए, बट दिस इज़ वेरी गुड कंसेप्ट। बहुत सारे लोग अभी अफोर्डेबल के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के साथ में ऐसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम दूर दूर बनाई जा रही है जयपुर से, और उसको लेकर के नाम दे दिया जाता है अफोर्डेबल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होते हैं पहुँचने के रीच के लिहाज से। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब नए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जो पास भी हैं, तो कैसा है ग्राहकों का रुझान उसको लेकर? हाँ, उस ये जो प्रोजेक्ट हैं आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी डिस्टेंस में हो रहे हैं जिसमें कि लोगों को रूटीन वर्क और अप डाउन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अपने घर में रहेगा तो अभी जयपुर का कल्चर वो नहीं है कि जिसमें कि दो दो तीन तीन घंटे ट्रैवल किया जाए, और अगर ये अफोर्डेबल स्कीम बिटवीन द सिटी अगर सिटी के अंदर लेके आते हैं बिल्डर्स तो इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कि हर किसी बंदे को अपना अप डाउन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा सा उसको क्लोज हो, तो दैट वुड बी वेरी गुड कंसेप्ट कि वो सिटी के आसपास के एरिया में ही आए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे वो काफ़ी दूर थे, और दूर होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कस्टमर्स को, लेकिन अब ये भी देखने को मिल रहा है कि शहर के कुछ 2-4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स को भी ग्राहक मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की किस तरह रियल एस्टेट बाजार में रोज कुछ ना कुछ नए अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरह रोज एक के बाद एक बड़ी लैंड डील्स आपके प्रदेश में हो रही है, और इसी के साथ हमने जाना कि किस तरह रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी का किया हुआ आपका इन्वेस्टमेंट देगा आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न, और इसी के साथ दोस्तों हमारा भी ये कहना है कि ये मार्केट है
सबसे बेहतर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त का किया हुआ आपका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में देगा आपको अच्छा खासा रिटर्न।